इतिहास को जो भी जानते हैं उन्हें अच्छे से मालूम है कि इसराइल किस हद तक जा सकता है। इसराइल की वायुसेना ने एक बार फिर गाजा पर हमला कर दिया। इसराइल की वायुसेना ने 70 ठिकानों पर स्ट्राइक की है। ये हमला गाजा के ड्राजिटुहप इलाके में किया गया। ड्राजिटुहप हमास के आतंकियों का एक बड़ा ठिकाना माना जाता है, यानी चुन चुन कर आतंकियों का, हमास आतंकियों का खात्मा कर रहा है इसराइल, क्योंकि जिस तरीके से उसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाया गया, जैसे महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बर्बरता पूर्वक सलूक जो किया गया, उसके बाद से इसराइल ने यह ठान लिया है कि आपको हर हाल में पीछे होना ही पड़ेगा। और इसके लिए वो ताबड़तोड़ जो हमले कर रहा है, उसकी स्थिति, उसकी जो तस्वीरें हैं वो एक एक करके हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन की जो तस्वीरें हैं वो यही बयां कर रही है कि युद्ध भयावह स्थिति में पहुंचा हुआ है। ये फिलहाल देखिए, इस जंग के हालात के बीच में फिलिस्तीन दावा यह कर रहा है कि उसने गाजा पट्टी के दायरे को बढ़ा दिया है और इसराइल के अंदर घुसकर कब्जा उसने जमा लिया है। हालांकि गाजा पट्टी के पूर्व में इसराइल के भीतर हमास के आतंकियों के साथ जंग जारी है। अब समझाते हैं आपको कि ये जंग जो है वो आखिर कहां कहां चल रही है। हमास ने सबसे पहले वो जो गाजा पट्टी का इलाका था उसे ही, उस जगह को ही हथियार बना के एक तरह से इसराइल के ऊपर हमला किया था। ये पूरा गाजा पट्टी का इलाका है जिसे आप ये हरे रंग से देख रहे हैं, और इससे ही लगे हुए जो इसराइल के इलाके हैं वहां पर हमले हमने देखा है ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि उन जगहों तक पहुंचना आसान है हमास के लिए। अब ये देखिए यहां से, क्योंकि ये सबसे अंदर तक आपको दिखाई दे रहा है इसराइल के अंदर, इसी जगह से सुद्रो, इसके अलावा आगे अगर हम बढ़े रमल्ला, कलांडिया, सलाम चेक पॉइंट, अबू देस, बेतू, फजारन, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर अभी फिलहाल जंग चल रही है। और हमास के लड़ाके भी ये बताया गया है कि यहां तक पहुंच चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, और इन्हीं जगहों पर सिविलियन को निशाना बनाया गया हमास की तरफ से। इसराइल वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। इन मुश्किल हालातों में भी न्यूज 18 इंडिया की टीम डटी हुई है। हमारे संवाददाता नीरज कुमार युद्ध की हर खबर जंग के मैदान से आप तक लेकर आ रहे हैं। हमास की ओर से अश्केलोन में रात से ही मिसाइल से हमला किया जा रहा है। हमले के बाद घरों को नुकसान पहुंचा है अश्केलोन में। इस वक्त की स्थिति को न्यूज 18 इंडिया ने अपने कैमरे में कैद किया, वो दिखाएंगे हम। فإنه ومن هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة. وإننا إذ نعلن عن هذا القرار لنحمل أمام العالم العدو الصهيوني وقيادته مسؤولية هذا القرار. हमास का ये भी दावा है कि उसके पास इसराइल के इतने लोग बंधक हैं कि नेतन्याहू सोच भी नहीं सकते। हमले के दौरान भी हमास ने कई लोगों को बंधक बनाया और बाद में हत्या कर दी। वहीं ज्यादातर जगहों पर सड़कों पर और लोगों के घरों में घुसकर कत्लेआम किया गया। उन्होंने महिला, बुजुर्ग या बच्चे की परवाह नहीं की। गाजा के सीमाई गांव किबुज में कम से कम 100 लोगों को मार दिया गया, वहीं जबकि वहां की आबादी ही 1000 है। वहीं गाजा पट्टी के पास चल रहे एक नेचर पार्टी में 250 से ज्यादा लोगों को हमास के चरमपंथियों ने मार डाला है। गाजा में खूनी गदर, लंबी जंग को तैयार हमास। ईरान, सीरिया और मिस्र अगर मिलकर इसराइल पर हमला करते हैं तो ये साफ संकेत होगा कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमला किया है उसके पीछे पूरी तैयारी थी। खुद हमास के टॉप कमांडर अली बाराकेह ने हमास के हमलों को उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार बताया है। लेबनन की राजधानी बेरूत में हमास के कमांडर अली बाराकेह ने दिल दहला देने वाला बयान दिया है। तो
टॉप कमांडर अली बाराके ने डंके की चोट पर कहा है कि हमास इसराइल से लंबे युद्ध के लिए तैयार है। अली बाराके ने यह भी दावा किया है कि हमास के पास रॉकेटों और मिसाइलों का बड़ा जखीरा है जो लंबी जंग के लिए काफी है। अली बाराके ने कहा कि हमने इस युद्ध के लिए अच्छे से तैयारी कर रखी है। हमास के टॉप कमांडर अली बाराके ने यह भी कहा है कि हमास बंधक बनाए गए लोगों का इस्तेमाल इसराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी नागरिकों को छुड़ाने के लिए करेगा। अब ऐसे हालात में अगर हमास ईरान, सीरिया और मिस्र के साथ मिलकर इसराइल पर हमला करता है तो इसराइल में हालात बेहद खराब हो जाएंगे। अब देखना होगा पश्चिमी देश इसराइल पर होने जा रहे ट्रिपल अटैक को कैसे रोकते हैं। युद्ध की स्थिति क्या है ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि हमारे सहयोगी नीरज वहां पे युद्ध के हालात के बीच से आपको रिपोर्ट तैयार करके भेज रहे हैं। तो इसराइल वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। इन मुश्किल हालात में भी न्यूज 18 इंडिया की टीम डटी हुई है। हमारे संवाददाता नीरज कुमार युद्ध की खबर आप तक पहुंचाने के लिए युद्ध के मैदान में इस वक्त तो खुद है, वहां से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। हमास की ओर से अश्केलोन में जो रात में मिसाइल से हमला किया गया वो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमले के बाद घरों को नुकसान पहुंचा है, अश्केलोन में इस वक्त की स्थिति क्या है वो हम आपको बताते हैं। हमारे कैमरे में कैद है ये 4 बजे सुबह में यानी रात को ये यहाँ पहुंची। और इधर आपको दूसरी तस्वीरें दिखा दें, यहाँ अलग अलग जगह बमबारी हुई है वो तस्वीरें दिखाई। यहाँ देखिए ये सामने में 7वें फ्लोर पे वहाँ भी एक मिसाइल गया था, बॉम्ब गया था। यहाँ करम आपको दिखा रहे हैं 7वां फ्लोर, यहाँ से दिखाइए करम, ये इलाका दिखाइए इधर आकर क्लोज, इधर से दिखाइए, ये आपको दिखाते हर घर की स्थिति देखिए। वहाँ सामने में देखिए आपको दिख रहा होगा हर तरफ मिसाइल से हमला हुआ है। वो सामने में जो बिल्डिंग है नीचे एक होल आपको दिख रहा होगा, वहाँ बॉम्ब से हमला हुआ है, ऊपर में मिसाइल से हमला हुआ है। और इधर ये जो घर है, ये जो सामने हमारे बिल्डिंग है, यहाँ भी एक मिसाइल बॉम्ब यहाँ पहुँचा था। तो अलग अलग जगह लगातार मिसाइल से हम लोग कांच जो है वो टूटे और बिखरे हुए दिखते हैं।